हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आज हम आपको पढ़ाएंगे रसायन विज्ञान में संयोजी इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन और संयोजकता। संयोजी इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन और संयोजकता, ये आपके रेलवे ग्रुप में कई बार पूछे गए हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन से होता है। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और अधिक जानकारी के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में देख लेना, तो सारे नोट्स आपको उसी में अवेलेबल होंगे। तो शुरू करते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन? जैसे कि याद किया जाएगा, सोडियम, सोडियम का हम इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे तो आएगा 2.8.1। क्या आएगा? कितना आता है? 2.8.1 इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करने पर। तो उसमें होता क्या है, पूछा जाता है कि निम्न में से चार ऑप्शन दे रखे होंगे, जैसे कि इसका ये दे रखा, और इसमें पूछेगा कि संयोजी इलेक्ट्रॉन कौन से हैं। तो यहाँ ऑप्शन देगा चार ऑप्शन, ए नंबर में लिखा होगा 2.8, बी नंबर में लिखा होगा 1, और सी नंबर में लिखा होगा 8.1, और डी नंबर में लिखा होगा नन ऑफ डीज, इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार से तुम्हें ऑप्शन दिए जाते हैं रेलवे। तो हमें निकालना कैसे है? संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होता है वो किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर उसके अंतिम कक्ष, अंतिम उपकक्षा में, अंतिम उपकक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, उपस्थित अंतिम उपकक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वही संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी कहा जाए कि इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन कौन से हैं, तो इसमें होंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन 1। कितने होंगे? 1। यानी कि जो लास्ट में होता है वही क्या होता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन। जैसे कि उदाहरण है 17 नंबर का क्लोरीन, इसका होता है 2.8.7। तो इसमें जो लास्ट है, लास्ट में जो अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन आए हैं यही क्या होंगे तुम्हारे? संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब हम बात करें कोर इलेक्ट्रॉन। कोर इलेक्ट्रॉन क्या होता है? किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास करने पर उसकी अंतिम कक्षा को छोड़कर बाकी सभी इलेक्ट्रॉन कोर इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब है कोर इलेक्ट्रॉन की बात करें, जैसे सोडियम है तो 2.8.7.1, ठीक। इसमें कोर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो कोर इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा को छोड़ दें, अंतिम कक्षा को छोड़ दें, बाकी सभी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? कोर इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक। जैसे कि और ले लें मैग्नीशियम 2.8.2, तो इस दो को छोड़ दें बस, बाकी ये सब क्या है? कोर इलेक्ट्रॉन। क्या है? कोर इलेक्ट्रॉन। अब बात करें संयोजकता। संयोजकता क्या होती है? किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास करने पर उसकी अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही कोर इलेक्ट्रॉन संयोजकता कहलाती है। जैसे कि सोडियम ले लें 2.8.1, तो जिस प्रकार के संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता एक दूसरे से संबंध रखते हैं, इनकी संयोजकता भी इसकी कितनी होगी? 1, और संयोजी इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 1। अब अंतर क्या है? इसके लिए कुछ नियम है, एक सा नियम है। यदि अब यहाँ क्लोरीन ले लें, 17 होता है 2.8.7, इसमें क्या निकली? अंतिम कक्षा में 7। क्या है? 7 है। लेकिन संयोजी इलेक्ट्रॉन तो 7 है लेकिन संयोजकता 7 नहीं है। इसके लिए एक नियम सा है, इसको आप भी आगे लिख लेते हैं। यदि 5 से अधिक है, यदि 5 से अधिक है, 5 से 4 से अधिक है, 4 से अधिक है तो 8 से घटाते हैं, 8 से घटाते हैं, तो ये 7 आई है, तो 8-7=1। तो इसकी संयोजकता क्या है? 1। यानी क्लोरीन की संयोजकता कितनी है? 1, ठीक है। एक और देख लेते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन N कितने होता है? 7.2.5, तो 5 तो इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन और ये 2 कोर इलेक्ट्रॉन है लेकिन संयोजकता 5 नहीं है। अगर 5 से अधिक, नियम क्या है? ये रूल है, क्या है? 4 से अधिक है तो 8 से घटाते हैं, 8-5=3। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना।